ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जो राशि स्वामी होते हैं वो शुक्र देव होते हैं, जो कि 5 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में सेकेंड हाउस में विराजमान है और उसके बाद थर्ड हाउस में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही आपके जो भाग्य के स्वामी हैं वो बुध देव होते हैं, वो भी सेकेंड हाउस में वृश्चिक राशि में 3 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे और उसके बाद धनु राशि में थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। इस महीने आपकी आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी अनबन रह सकती है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आपके 3-3 प्लैनेट महीने की शुरुआत में सेकेंड हाउस, जिसे कि वाणी का हाउस माना जाता है, उसमें रहने की वजह से आपकी थोड़ी वाणी उग्र हो रह सकती है, तो इसलिए आपको इस महीने अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे आपके परिवार में कोई भी मतभेद हो। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस महीने आपकी काफी सारी यात्राएं हो सकती हैं या फिर यात्राओं के प्लानिंग भी बन सकती है, तो ये भी आपके लिए जो है शुभ रहने वाली है। अब बात करते हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना कैसा रहने वाला है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस महीने आपको कफ कोल्ड की दिक्कत रह सकती है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। खासतौर पर आपको इस महीने स्किन से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अपने पर्सनल हाइजीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके साथ ही आपको कोई भी कार्य करते वक्त अलर्ट रहना होगा, खासतौर पर ड्राइविंग करते वक्त या फिर कुकिंग करते वक्त आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि मैरिड कपल्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। आपके 7th हाउस में काफी टाइम से राहु गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माने जाते। यहाँ पर बैठकर राहु ट्रस्ट इशू पैदा करते हैं, बेवजह की उलझने दे देते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में बेवजह के मनमुटाव पैदा करते हैं। इसलिए आपको चाहिए थोड़ा सा समझदारी से काम लें, पेशेंस रखकर चलें, तभी ये जो टाइम है आपके फेवर में रहने वाला है, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि लव कपल्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। लव कपल्स के लिए जो महीना है, आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि आप हो सकता है कि काफी टाइम से बिजी चल रहे हो, वजह कोई भी हो सकती है, तो आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम देकर चलना होगा। और एक चीज का और बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आप अपनी चीजों को अपने पार्टनर के ऊपर थोपे नहीं, क्योंकि आपकी आदत होती है कि किसी भी चीज में आप अकेले ही डिसीजन ले लेते हैं और अपने पार्टनर के ऊपर उसको थोपना शुरू कर देते हैं, तो इस चीज से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए जो टाइम है ना, पहले से बेटर होगा, फोकस भी आपकी स्टडी पर होगा, लेकिन बीच बीच में थोड़े से आप आलसी रह सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि बिजनेस वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। बिजनेस वालों के लिए महीना उन लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी जो कि नया बिजनेस ओपन करना जा रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं। इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु 7th हाउस में बैठकर आपकी पार्टनरशिप को खराब कर देते हैं, ट्रस्ट इश्यू पैदा करते हैं, बेवजह के कोर्ट केस में आपको फंसा सकते हैं, तो इस चीज से आपको बचना होगा। कोई भी डील साइन करने से पहले पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तभी साइन कीजिए, यही आपके फेवर में होगा। अब बात करते हैं कि जॉब वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। जॉब वालों के लिए महीना आपके फेवर में रहेगा। न्यू जॉब, वो भी आपके मनपसंद की, लगने के बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा अपडेट रखिए और अपने अग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं कि वो कौन से उपाय करें जिससे इस महीने जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आपको आ रही है या फिर जिस भी चीज से आपको दिक्कत आपकी लाइफ में आ सकती है, आप उनसे कैसे बच सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। आप इस महीने दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा के साथ साथ आप कंजकों की सेवा करें, उन्हें खट्टी मीठी गोलियां जरूर गिफ्ट में देते रहें। इसके साथ ही आप तुलसी में जल जरूर दें और अपने पर्सनल हाइजीन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, यही आपके लिए बढ़िया होगा। तो आशा करते हैं ये महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां, कामयाबी, उम्मीदें लेकर आएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।